सड़क हादसे में बच्ची हुई घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचायत समिति की हुई बैठक, कालाबाजारी को लेकर की गई चर्चा। शपथ समारोह का किया गया आयोजन, उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षदों ने लिया शपथ। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दहेज ना मिलने पर पत्नी की हत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत अस्तावा थाना क्षेत्र के सोएवापर गांव के पास बिहार शरीफ वरबिघा मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक बच्ची जख्मी हो गई। वहीं मौके पर तेज रफ्तार बस चालक मौके से फरार हो गया। बता दें, स्थानीय ग्रामीणों परिजनों के सहयोग से अस्तावा रेफलर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हम लोग का घर तो रोड पर है, तब बच्चा तो हमारा बीच गांव में खेलने जाएगा नहीं। जहां माँ बाप रहेगा वही बच्चा भी रहेगा, तो इसका कोई मतलब है कि कोई भी गाड़ी चढ़ाएगा तो किसी पर चढ़ा के चला जाएगा। छोटा सा बच्चा को बस के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, वो इलाज बच्ची है, छोटी बच्ची है, 1.5-2 साल की, अभी हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया है। खबर सहरसा से है, जहां सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सबनम कुमारी और संचालन प्रखंड पंचायती राज के पदाधिकारी सियाराम पासवान ने किया। वहीं इस बैठक में प्रतिमाह गरीबों को मिलने वाली खाद्यान्न एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही कमी को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधि ने प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से खाद की हो रही पर लगाम लगाने की मांग की। खबर नालंदा से है, जहां हुई नगर पंचायत के प्रखंड सभागार भवन में शुक्रवार को शपथ समारोह का आयोजन किया गया, और जहां नगर पंचायत के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई गई। बता दें कि इस समारोह में रहुई नगर पंचायत के वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार और कार्यपालक प्रभारी जय कुंडल प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं तो सबसे पहले अपने जनता मालिक जनार्दन को धन्यवाद कहना चाहता हूं, और उसके बाद यहां का स्थिति देख कर करके एकदम क्या कहें, बहुत बुरा स्थिति है यहां का। सब ये सब टूटा फूटा, जस 5 साल भी बिल्डिंग का नहीं हुआ, सब पूरा डैमेज हो चुका है। पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं समस्त वार्ड पार्षद गणों को हृदय से आभार करता हूँ, और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उन्हें चुना है, और ये आशा करता हूँ कि जनता के लिए ही वो काम करें और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, जनहित के लिए और जनता के लिए समर्पित होकर अपना कार्य करें। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड क्षेत्र के मठिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में साबिर मियां के घर में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया। बताने की आग की घटना में लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मामले में अचलकर अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मौखिक रूप से जानकारी दी है और संबंधित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी से आगलगी की घटना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
आगे लाग गो हमने के सुतर रहे जा सुतला के बाद से एक बार लड़की में रोवे सुतर रोवे जाके जगावती है कि दादी रे आगे लाग गई दो बजे करीब मैं उठ के आवत हन त एगो हमार बूढ़ा पाइज बाड़ी फालिस मार देले बा उनका के इकाले इकाले तो चारू मास से आगे धर धली रात को हम लोग सोए थे घर में और लड़का से मेरा सोए थे चार बच्ची थी मेरी और मेरी दादी भी सोई थी वहीं पे तो एक बैग हम लोग लड़का चिल्लाने लगा कि आग लग गया है आग लग गया है तो हम लोग आए थे तो पहले अपना बैग उठाने लगे तो खालिश मारा हुआ था थोड़ा सा भी आग था तो उसको मैं बचाने के लिए उधर बाहर लेकर गए थे तब तक आग पूरा पकड़ लिया पैसा कौड़ी सब जल गया है पूरा संपत्ति तो इसमें जलवे किया है दावा था 5-6 हज़ार का उनका तबीयत खराब था वो सब जल गया है नया मोटरसाइकिल था वो भी जल गया है खबर बक्सर से है जहां जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में एक और विवाहिता दहेज के बलिवेदी पर चढ़ गई है। वहीं लड़की के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। बता दें इस पूरे मामले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग को खबर की हम लोग धनबाद में रहते हैं तो खबर की है कि मतलब तबीयत खराब है हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती किए वहाँ स्पाइस कर दिया है। अच्छा यहाँ हमारे मामा रहते हैं सेठपुर में आए तो घटना स्थल पर गए तो देखे कि गला घोट कर उसको मारा गया है। खबर बेतिया से है जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची की मां ने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर मंदिर में शादी कर ली। इस संदर्भ में महिला ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें दोनों एक मंदिर में शादी रचाते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले परिजनों ने युवती की शादी बलथर थाना क्षेत्र के एक गाँव में की थी। महिला अपने ससुराल में खुश नहीं थी और अपने प्रेमी से लगातार बात करती थी। इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों ने रोक टोक शुरू कर दी जिसके बाद विवाहिता ने अपनी बेटी को लेकर प्रेमी के पास पहुंचकर शादी रचा ली। हम अपना मन से यहाँ से प्यार करते रहनी वैसे यहाँ संग हम चलनी केस कैले बढ़ल उ सब झूठ केस कैले बढ़ल केस से कोनो फायदा ना हुई हम ना जाम कहियो लोग लगे अपन केस वापस ले लैसल और यहाँ के घर के लोग केव नहीं खेम कुछ कैले हम अपना मन से आयल बनी यहाँ के संग अपन केस वापस ले लैसल केस से कोनो मतलब नहीं खेम। खबर भागलपुर से है जहां नवनिर्मित एसएसपी आनंद कुमार ने कार्यालय से बाहर आकर दिव्यांग बुजुर्ग की फरियाद सुनी। बता दें 4 महीने से बुजुर्ग युवक अपने सगे भाई सहित परिवार को खाते में 39 लाख रुपए अवैध तरीके से निकासी के मामले में सजा दिलाने की मांग कर रहा था और कहा कि जब तक उसको प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक मैं कार्यालय के चक्कर लगाता रहूंगा। मेरा भाई भतीजा ड्यूटी और दामाद उसका 49 लाख रुपया 48,79,630 रुपया गबन कर लिया। खबर नालंदा से है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकंगड़ सराय पहुंचे जहां उन्होंने जदयू जिला अध्यक्ष सिया शरण ठाकुर की श्रद्धा कर्म में भाग लिया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के पहले सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। खबर नालंदा से है जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अंतर जिला अपराधी को हथियार व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया
और डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बिहार शरीफ स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि नालंदा जिला अंतर्गत हरनौत स्टेशन पर कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हो रहे थे, जिनको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा। वही कुछ अपराधी का खुआसे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष को सूचना मिली जो हरनौत स्टेशन है उसके पास कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर जमा हुए हैं। तत्क्षण उस पर कार्रवाई की गई है और कुल चार लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, तलाशी ली गई और पूछताछ के क्रम में उनके पास से लोडेड देसी पिस्तौल, दो जिंदा गोली, कुल चार मोबाइल की बरामदगी हुई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आकर एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के मथुरा चौक का बताया जा रहा है, जहां एक महिला की ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टर ने किया और ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जो बड़ा ऑपरेशन होला ना, वह बड़ा ऑपरेशन करावे जो बच्चा बंद करे वाला, वह करावे खातिर तही आई लोग, ठीक बा मनोज डॉक्टर को एतई बार मथुरा चौक उकरे किया अनु, लेकिन उ बाद में पता चला कि झोला छाप डॉक्टर वन दूसरा डॉक्टर के बुला के तही ऑपरेशन करावे, लेकिन उ डॉक्टर साहब ना आईनी, ये अपने से अपने ऑपरेशन कर देला। जब इनका बॉस के ना रहे तो डॉक्टर साहब के लेकर फोन भी कैले, लेकिन डॉक्टर साहब ना आ पैनी, कहने की जब स्थिति खराब कर दिया है तो हम क्या करने जाएंगे। महागठबंधन में चल रहे रामचरितमानस विवाद के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और मंत्री चंद्रशेखर के मामले में ललन सिंह ने गेंद लालू यादव और तेजस्वी यादव के पाले में डाल दी। वहीं इस मामले में जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व में मंत्री चंद्रशेखर को लेकर फैसला करना है। आपको बता दें कि लगातार मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर जेडीयू हमलावर बना हुआ है और जेडीयू की तरफ से सबसे पहले मंत्री अशोक चौधरी ने मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोला था और आज पटना में जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर के खिलाफ एतराज जताते हुए महावीर मंदिर में मानस पाठ किया गया।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर थाना परिसर में अचला अधिकारी के द्वारा जनता दरबार लगाकर कई जमीनी विवादों का निपटारा किया गया। इस दौरान अचला अधिकारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि भूमि विवाद की सुनवाई करते हुए लंबित मामलों में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश दिया गया। वहीं इस मौके पर रामनगर थाना अध्यक्ष अनंत राम भी मौजूद रहे। जनता दरबार का आयोजन थाना अध्यक्ष रामनगर के साथ संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पूर्व के दो मामलों में सुनवाई की गई। दोनों में विधि सम्मत आदेश दिया गया है कि इसका अनुपालन लोग करेंगे, और एक नया मामला आया है जिसमें द्वितीय पक्ष को नोटिस किया गया है। अगली तिथि को दोनों पक्षों से साक्ष्य के अनुसार इस पर निर्णय किया जाएगा, और तत्काल दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया गया है। खबर नालंदा से है, जहां दो मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में दीपनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आमने सामने दो बाइक का था, उसी में टक्कर हो गया। कहाँ कहाँ लोग जा रहे थे? वो बरनीवा से बिहार से आ रहे थे, और एक गाड़ी बिहार शरीफ से जा रहा था अपने गांव। खबर नवादा से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में युवती का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवादा से जा रहे थे अपना घर, जो है डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर के, उसी मतलब कि जो फरहा में जो है एक्सीडेंट हो गया, जो कि ट्रक जो है भाभी पे चढ़ा दिया। ट्रक वाले लोग भाग गए हैं, और हमारी भाभी को जो वहीं स्पॉट डेड कर गए हैं, और भैया जो है घायल है। सहरसा के रहने वाला एक मजदूर काम करने के लिए केरल गया था, और घर वापस आते समय सफर के दौरान ट्रेन में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रेलवे थाना की मदद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने दूरभाष के माध्यम से युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर भागलपुर से है, जहां परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा भागलपुर नगर निगम के सभी नव निर्वाचित पार्षदों, उपमहापौर और महापौर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी नव निर्वाचित लोग और उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया, और समर्थक लगातार नए महापौर, उपमहापौर और पार्षदों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए शपथ ग्रहण पर बाहर निकलने पर उन्हें फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे जितने टीम हैं, उप मुख्य पार्षद हैं सलाउद्दीन साहब जी, और जितने भी पार्षद हैं, सब लोगों से हम मिले और सब लोग इतने खुश हैं, इतने तत्पर हैं भागलपुर शहर को कुछ देने के लिए कि हम मैं क्या बताऊं। और हम लोग सब लोग मिल के और इस शहर का विकास करेंगे। पहले जब चुनाव होता था तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी, लेकिन आप लोग सब लोग अवगत हैं कि पहली बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर का पद जो है वो सीधा निर्वाचन से जो है वो चुन करके सभी जितने भी नगर निकाय हैं, जहां मुख्य पार्षद हों या नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर पालिका में जो मेयर डिप्टी मेयर होते हैं और जितने भी सदस्य हैं, तो सभी लोगों को शपथ कराया गया, और शांतिपूर्ण माहौल में सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मेयर डिप्टी मेयर, सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। अन्य जो नगर निकाय हैं वहाँ पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्राधिकृत किया गया है, और वहाँ भी संभवतः अभी हो गया होगा या अगले आधे घंटे में शपथ ग्रहण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
खबर मधुबनी से है, जहां जिला के जयनगर के अनुमंडल कार्यालय में नगर पंचायत के नव निर्वाचित चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड पार्षदों को जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और इस दौरान मधुबनी चेयरमैन ने कहा कि नगर की जनता का प्यार है, उन्होंने जो भरोसा मुझ पर चौथी बार जताया है, मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। नगर की जनता ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। जो जिनकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है, और जो मैं चाहूँगी कि उसका जो भी मैं उनके बीच जाऊँगी और उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उसका जल्दी से जल्द निराकरण प्रयास करूँगी। हमारे शहर में जो भी विद्यालय हो, राशन की दुकान हो, सब हमारे दायरे में आता है। वह आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो, सब हमारे दायरे में माने आता है। हम धीरे धीरे विद्यालय का जो भी विद्यालय में कठिनाई हो रहा है, आंगनबाड़ी के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा डीलर है, वो बहुत ही मनमानी गरीबों के साथ करता है। 5 किलो अनाज के बदले में उनको 4 किलो अनाज दिया जाता है। हम सबसे पहले उस पर भी शिकंजा कसेंगे, और जो भी समस्या है हम गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। प्रशासन हो, SDO साहब हो, DM साहब हो, हम सबसे मिलकर उस पर सुधार करने का काम करेंगे। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग